जय शनिदेव। दर्शकों, मैं आरपी सिंह आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे विशेष कार्यक्रम सुभारती संवाद में। दर्शकों, विश्व की एकमात्र शनि साधिका अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर विभाश्री दीदी जी के सानिध्य में पंचतत्व की सुरक्षा एवं संतुलन द्वारा प्राणियों को नया जीवन दान देने हेतु श्री शनि आश्रम छत्रपति संभाजी नगर औरंगाबाद महावास्ट में 24, 25 और 26 जून 2023 को एक विशाल संत सम्मेलन का आयोजन किया गया। दर्शकों, अब आपके लोकप्रिय कार्यक्रम सुभारती संवाद डॉक्टर विभाश्री दीदी जी के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और देखते हैं एक बहुत ही खास रिपोर्ट। शनि साधिका डॉक्टर विभाश्री दीदी जी का संक्षिप्त परिचय। श्री शनीश्वर तीर्थ क्षेत्र शनि आश्रम चिकल थाना छत्रपति संभाजी नगर महाराष्ट्र की आप संस्थापिका हैं। आपके इस शनि आश्रम में ही 24, 25, 26 जून 2023 को एक भव्य पंचतत्व महोत्सव पंच महाभूत लोकोत्सव का आयोजन हुआ था। पंचतत्वों की सुरक्षा और संतुलन के माध्यम से जीवन रक्षा के लिए इन पंचतत्व महोत्सव में राष्ट्रीय संत सम्मेलन का आयोजन हुआ। इस आयोजन के प्रथम दिन का दीप प्रज्वलन अनेक महामंडलेश्वरों पीठाधीश्वरों ने मिलकर किया। संपूर्ण कार्यक्रम का आयोजन और संचालन प्रसिद्ध एस्ट्रोलॉजर साधिका डॉक्टर विभाश्री दीदी जी ने ही किया, जिनके व्यक्तिगत निमंत्रण पर भारत के अनेक राज्यों से 100 से भी अधिक संत महात्मा सद्गुरु आध्यात्म शिरोमणि श्री शनि आश्रम छत्रपति संभाजी नगर महाराष्ट्र की पावन भूमि के संत सम्मेलन में पधारे थे और पूरे महाराष्ट्र क्षेत्र से भी लगभग 500 संत महात्माओं प्रवक्ताओं विद्वानों ने भी इस आयोजन में भागीदारी निभाई और प्रमुख वक्ताओं ने अपने अपने उद्बोधन से लोगों को मंत्रमुग्ध भी किया, जिसमें कोल्हापुर महाराष्ट्र के कनेरी मठ के पीठाधीश्वर स्वामी अदृश्य काट सिद्धेश्वर स्वामी जी, अखिल भारतीय गोसेवा संघ रायपुर छत्तीसगढ़ के प्रमुख दूधाधिधारी मठ के मठाधीश महामंडलेश्वर श्री राजेश्वरी महंत श्री राम सुंदर दास जी महाराज प्रमुख थे। साथ ही बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री सुधांशु त्रिवेदी और नारी रत्न राजेश्वरी मोदी उर्फ राजदीति नारायण रैकी सत्संग परिवार मुंबई ने अपनी ओजस्वी मोटिवेशनल वाणी से सभी को मंत्रमुग्ध किया। 3 दिनों में 30 से अधिक वक्ताओं को सुनने का सौभाग्य मिला। शनि साधिका डॉक्टर विभाश्री दीदी जी के द्वारा संचालित इस राष्ट्रीय संत सम्मेलन की ज्ञानवर्धक झलकियां शनि साधिका दीदी जी के ही ज्ञानवर्धक कार्यक्रम सुभारती टीवी के सुभारती संवाद साधिका डॉक्टर विभाश्री दीदी जी के साथ कार्यक्रम का महत्वपूर्ण हिस्सा भी बनी। इस पूरे त्रिदिवसीय संत सम्मेलन में साधिका डॉक्टर विभाश्री दीदी जी की सुपुत्री अभिनेत्री विभूति शर्मा जी ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया और सभी संत महात्माओं अतिथियों की स्वागत व्यवस्था को संभाला। इनसे संचालित करने के लिए बोलूंगी और मैं ये दावा करती हूँ कि आज आप यदि सुधांशु जी को सुन लेंगे तो अभी तक जितना को सुना था सबको भूल जाएंगे, क्योंकि जो इनको सुनता है वो इनका हो जाता है। इन्होंने सनातन धर्म पर इतना रिसर्च किया है, इन्होंने इतना ज्ञान बटोरा है, इतनी ज़्यादा नॉलेज हासिल की है कि पूरे विश्व में हमारे राम को मानने वाले, हमारे श्याम को मानने वाले, हमारी देवी देवता मानने वाले, हमारे चिन्ह, हमारी वैदिक सभ्यता और हमारी जितनी भी संपदा है वेदों की पुराणों की, वो कहाँ कहाँ से कैसे कैसे लोगों ने दी और आज वो राज कर रहे हैं और कहते हैं कि हमने ऐसा किया है, जबकि सब कुछ किया हिंदुस्तान ने और वेदों ने। तो ये बात हमारे लिए बड़ा प्राउड करने वाली बात है। तो मैं सबसे पहले आपको सम्मान करती हूँ, आपका अभिनंदन करती हूँ और आपको बधाई देती हूँ हमारे छत्रपति संभाजी नगर में कि आप पधारे। अच्छा, केंद्रीय मंत्री साथ में, तो यह आप तो हमारे घर के जैसे हैं, इसलिए हम आपको ज़्यादा परिचित नहीं करा रहे। हमारे केंद्रीय मंत्री भागवत कराड जी जो यहाँ के वित्त मंत्री हैं और चूँकि हमारे संभाजी नगर के हैं इसलिए वो हमारे बड़े लाडले हैं, तो हम उनका ज़्यादा परिचय कराएं कि आपसे, और उनका सहकार बहुत रहा है प्रत्येक धार्मिक कार्यक्रम में। मैंने हर धार्मिक बड़े कार्यक्रम में उनका बैनर देखा है तो मैं समझ जाती हूँ कि ये आयोजन कैसा रहा होगा। और आज शिरीष बोरालकर जी ने जो फिर से दूसरी बार
हमें आभारी होने का अवसर दिया, उसके धन्यवाद। पहले आपने देवेंद्र फडणवीस जी से मेरी मुलाकात कराकर, DCM से मेरी मुलाकात कराकर एक बार मुझे आभारी होने का सौभाग्य दिया था, और आज मैं आभारी हूँ आपकी कि आप मेरे, अभी 2 घंटे पहले मेरी बात हुई है कि उनको लेकर आइए, और आप मुझे इतना धन्यवाद का सौभाग्य दे रहे हैं। मैं आपको विराजमान होने के लिए पहले कहती हूँ, आप विराजिए। हाँ, आप विराजिए। हाँ, सुधांशु भाई जी, आप तो बैठिए नहीं, आप तो सीधा माइक लीजिए, आइए आइए आइए, बिल्कुल बिल्कुल। मंच पर विराजमान सभी परम आदरणीय संत वृंद, भारत सरकार के मंत्री, और यहाँ आप सबके लोकप्रिय सांसद आदरणीय भागवत कराड़ जी, श्रीश जी, दीदी जी। वैसे तो देखिए, जब संतों गुरुओं के समक्ष हो तो बोलने का प्रयास नहीं करना चाहिए, सुनने का प्रयास करना चाहिए, और उनके समक्ष बोलना तो मैं मानता हूं कि एक प्रकार की अनाधिकार चेष्टा है, परंतु अब चूंकि आदेश हुआ है तो कुछ सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि जब आप संत जनों के मध्य होते हैं तो हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि यह एक दैव दुर्लभ संयोग होता है, क्योंकि 3 चीजें ऐसी हैं जो इस प्रकृति में, इस सृष्टि में बहुत दुर्लभ होके ईश्वर कृपा से प्राप्त होती है। हमारे यहाँ कहा गया है, त्रयः दुर्लभा प्राप्नोति, मनुष्यत्वम, मुमुक्षुत्वम, सज्जनानां संगति। अर्थात 3 चीजें दुर्लभ हैं। पहला, मनुष्य का जन्म। यदि आप जीव जंतु से लेकर, मतलब बैक्टीरिया अमीबिया से लेके, कीड़े मकोड़ों से लेके सभी जानवर देखेंगे तो करोड़ों अरबों के ऊपर एक मनुष्य होता है, यानी मनुष्य का जन्म मिला तो ये दुर्लभ है। दूसरा है मुमुक्षुत्वम, मनुष्य के रूप में जन्म लेके बहुत से लोग ऐसे होते हैं, खाया पिया जीवन ऐसे गुजर गया और कभी धर्म की तरफ विचार ही नहीं किया। यदि धर्म की तरफ विचार जाए, मोक्ष की इच्छा उत्पन्न हो तो यह और भी दुर्लभ है, और मन में धर्म का विचार आ जाए और यदि सज्जन गुरुओं की संगति न मिले तो भी कार्य अधूरा रह जाता है। यदि ये तीनों मिल जाएं तो समझिए कि बहुत दैव दुर्लभ संयोग होता है, और इसीलिए रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने भी लिखा है, मुद मंगलमय संत समाजू जो जन जंगम तीरथ राजू। यानी जो संत समाज है वो एक प्रकार से जागृत तीर्थ के समान होता है, जिसके कि साथ रहकर आप अनेक पुण्य का लाभ कर सकते हैं। यहां पर हम सिर्फ ये कहना चाहेंगे कि आज भारत में भी एक बड़ा परिवर्तन हो रहा है, जैसा कि अभी आप बता रही थी कि हमारा ज्ञान का जो स्रोत है उसमें वेदों के अंदर जो ज्ञान के स्रोत हैं, दुर्भाग्य की बात यह है कि हम उससे अनजान ही नहीं है, बल्कि बहुत सारी बातें उनके बारे में तमाम निगेटिव हमारे दिमागों में भर दी जाती है। मैं एक छोटी सी बात आपको बताना चाहता हूं कि जिसने विज्ञान पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, सबसे कठिन विषय जो माना जाता है वो माना जाता है, एक कहावत होती है, रॉकेट साइंस। लोग मजाक में कहते हैं ना, कोई बड़ा कठिन विषय हो, भैया ये रॉकेट साइंस है क्या, जो आप हमको समझाने को इसके, रॉकेट साइंस मतलब वो जो रॉकेट उड़ता है। अब आप में से शायद बहुत से लोगों को ना पता हो कि रॉकेट साइंस का पिता किसको माना जाता है, जिसने सबसे पहले रॉकेट साइंस, रॉकेट बनाया, रॉकेट इंजन, वो एक यूरोपियन साइंटिस्ट था जिसका नाम है वर्नर वॉन ब्रॉन। ही इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ रॉकेट साइंस। तो रॉकेट साइंस का पिता जिसको माना जाता था वर्नर वॉन ब्रॉन, वो अपना गुरु किसको मानता था, वो एक जर्मन साइंटिस्ट था, उसका नाम था हरमन ओबर्ट, और हरमन ओबर्ट ज्ञान के लिए वेदों को पढ़ता था। आप सोचिए, जिसको सबसे कठिन विज्ञान आप मानते हैं उसका जो पिता माना जाता है, उसका गुरु जिसको पढ़ता है, और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये एक विदेशी वैज्ञानिक है जिनका नाम है एरिक वॉन डाइकन, उन्होंने अपनी किताब में लिखी है, यानी इसमें कोई भारतीय है ही नहीं। आप सोचिए, उन लोगों को वेद में इतना बड़ा बड़ा ज्ञान मिलता था। अच्छा चलिए, एटम बम का नाम तो सबने सुना होगा, एटम बम जो दुनिया में पहला, जिंदगी में एटम बम का विस्फोट हुआ,
तो एटम बम बनाने वाला जो साइंटिस्ट था अमेरिका का, उसका नाम था रॉबर्ट ओपेनहाइमर। जब पहला सक्सेसफुल दुनिया का परमाणु विस्फोट हुआ 16 जुलाई 1945 को, तो जब वो सफल हो गया अमेरिका के न्यू मैक्सिको में, तो उसके मुंह से जानते क्या निकला? इसे देखकर मुझे गीता, श्रीमद् भगवद गीता का वो वाक्य याद आ रहा है कि जो भगवान कृष्ण ने कहा था, यदि सृजन भी मैं हूं तो विध्वंस भी मैं। आप सोचिए, एटम बम का आविष्कारक श्रीमद् भगवद गीता को कोट करता है। ज्ञान दूसरे लोगों को इतना दिखाई पड़ता है हमारे यहाँ, मगर अफसोस की बात यह है कि हमारे यहाँ लोग उससे अनजान हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है कि हमारी अपनी थाती, हमारा अपना ज्ञान, और हम उसे नहीं पढ़ते हैं, दूसरे लोग पढ़कर हमें बताते हैं, तब यह समझ में आता है। और अभी माननीय प्रधानमंत्री जी अमेरिका की यात्रा पर थे, आप सब ने देखा कि विश्व योग दिवस था 21 जून को, संयुक्त राष्ट्र संघ के कार्यालय में 135 देशों के प्रतिनिधि उपस्थित थे जिनके साथ प्रधानमंत्री जी ने विश्व योग दिवस पर योग किया। यह दर्शाता है कि भारत में को दुनिया को इंस्पायर करने की क्षमता कहां से आती है और योग क्या है। हमारे वेदों में 6 दर्शन हैं जिनको षट दर्शन कहते हैं, सांख्य, न्याय, वैशेषिक, योग, मीमांसा, वेदांत, उन्हीं में से एक योग है। तो आप सोचिए कि हमारे धर्म ग्रंथ, हमारे शास्त्रों में ज्ञान के वो स्रोत हैं जो दुनिया भर में एक एक व्यक्ति को प्रेरित कर सकते हैं। मैं एक चीज और बताना चाहता हूं, बहुत से लोग कहते हैं ज्ञान विज्ञान समृद्धि तो दुनिया के बहुत से देश देते हैं, परंतु ज्ञान विज्ञान समृद्धि के साथ आत्मिक ज्ञान कहां से मिलता है? मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। आप सभी लोग व्हाट्सएप यूज करते हैं, फेसबुक भी बहुत सारे लोग यूज करते हैं। व्हाट्सएप और फेसबुक का मालिक कौन है? एक अमेरिकी व्यवसायी है, मार्क जुकरबर्ग। और जो लोग आईफोन यूज करते होंगे, एप्पल का आईफोन, आईफोन या एप्पल कंपनी का संस्थापक थे स्टीव जॉब्स, जिनकी की मृत्यु हो गई कैंसर से। मार्क जुकरबर्ग जो व्हाट्सएप का मालिक है, उसने ये बताया कि मुझे स्टीव जॉब्स जो एप्पल का मालिक है, उसने कहा था कि अगर जिंदगी में कभी तुम घनघोर हताशा में गिर जाओ, तुम्हें लगे तुम्हारा आत्मविश्वास समाप्त हो गया है, अब तुम्हें जीवन में अंधकार ही अंधकार दिख रहा है और नई ऊर्जा पानी हो, तो क्या करना? भारत में जाना, वहां नैनीताल जिले में एक कैंची आश्रम है नीम करौली बाबा का, वहां जाना, वहां तुम्हें नई ऊर्जा मिलेगी। और ये वाकया जब मार्क जुकरबर्ग भारत आए थे, तो उन्होंने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सामने बोला और कहा कि मैं आया और मैं उस कैंची आश्रम गया, और देखिए संयोग क्या, वो हेलीकॉप्टर लेके गए थे, और ये था कि 1 घंटा 2 घंटा रुकेंगे और उसके बाद वापस आ जाएंगे, मगर कहने लगे संयोग वो पहाड़ी इलाका है, मौसम खराब हो गया, बारिश होने लगी, अब हेलीकॉप्टर टेक ऑफ ही नहीं कर सकता था, तो उन्होंने कहा उनको 2 दिन रुकना पड़ गया, यानी अगले दिन जाके शाम को मौसम ठीक हुआ तो आए। और ये मार्क जुकरबर्ग का कहना है कि 1.5 दिन वहां रहने के बाद मुझे एक अलग प्रकार की ऊर्जा अनुभव हुई। तो आप समझिए कि हमारे संत, हमारे धार्मिक स्थल किस प्रकार के ज्ञान का स्रोत और प्रेरणा का स्रोत दुनिया के उन लोगों के लिए है जो हर हाथ में दिखाई पड़ता है। अभी माननीय भागवत कराची से चर्चा हो रही थी अजंता एलोरा की, जो यहां से पास में मंदिर बने हुए हैं, कह दिया जाता है ऊपर से काट के बने। अरे कैसे काट के बने भाई, इतना आसान है, छेड़िए थोड़ी से किसी ने बना दिया। अच्छा चलिए, अगर हटाया तो इसमें हजारों टन पत्थर जो इसमें से निकला वो कहां गया? वो तो कहीं आसपास दिखाई पड़ना चाहिए। ये सब दिव्य अलौकिक चीजें थी, तो लोगों को जो समझ में नहीं आती, मैं एक बार पुनः कह चुका हूं, याद दिलाना चाहता हूं कि आपके महाराष्ट्र में ही कोल्हापुर में महालक्ष्मी का मंदिर है, और साल में 2 बार जब इक्विनॉक्सेस पड़ते हैं, यानी जिस दिन दिन और रात बराबर होते हैं, 21 मार्च और 21 सितंबर दोनों दिन सूर्य की किरणें सबसे पहले देवी के पहले दिन चरणों पे पड़ती हैं, हृदय स्तर पे पड़कर लगता है कि प्रणाम करके चली जाती हैं। सोचिए किस अद्भुत वास्तुकारी के द्वारा, जिसमें सिर्फ मंदिर का वास्तु नहीं है, खगोलीय गणना, पृथ्वी किस ढंग से अपनी धुरी के ऊपर झुकी हुई है, वह गणना, वो सारी चीजों को लेके बनाया गया हमारे उस ज्ञान के ऊपर, हमारे उस चीजों के ऊपर हमें गर्व होना चाहिए। परंतु अफसोस की बात यह है कि स्वतंत्रता के बाद अभी तक हम
अपने उस आत्म गौरव को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं जिसे हम लोग एक कविता की पंक्ति में पहले कहते थे कि उगा सूर्य कैसा कहो मुक्ति का ये उजाला करोड़ों घरों में न पहुंचा। और आज स्थिति क्या है, खासकर युवा पीढ़ी वो हमारी इस गौरवशाली परंपरा से अलग हो रही है। ऐसा प्रतीत होता है कि उसका लक्ष्य क्या, बस अच्छी नौकरी मिल जाए। ज्यादातर युवाओं के दिमाग में इस प्रकार की चीजें भरी जा रही हैं कि शायद उनका लक्ष्य ऐसा बनाया जाए कि एक अच्छी नौकरी, इसमें लाखों रुपए मिलते हों, फिर किसी बार में, डिस्कोथेक और पब में दारू पी के झूमो, बस यही जिंदगी का लक्ष्य है। तो उसकी एक पंक्ति थी जो हमें स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव में ध्यान रखनी चाहिए, जब हम कहते हैं कि उगा सूर्य कैसा कहो मुक्ति का ये उजाला करोड़ों घरों में न पहुंचा, तो न संयम व्यवस्था न एकात्मता है, भरी है अभी तक मनों में गुलामी, वही राग अंग्रेजियत का पुराना, सुनाते बड़े लोग नामी गिरामी, लुढ़कती मदिर जिंदगी की लयों में, यानी जिस ढंग से कोई मदिरा में झूम रहा हो, अभी मुक्ति का गायन स्वरों में न पहुंचा, उगा सूर्य कैसा कहो मुक्ति का ये उजाला करोड़ों घरों में न पहुंचा। इसलिए हमें समाज को, अपने युवाओं को यह प्रेरणा देनी है कि ये भारत वो भारत है जो विश्व में पुण्य भूमि कहलाती है। श्री अरविंदो ने कहा था जो शरीर में स्थान आत्मा का है वो विश्व में स्थान भारत का है। इसीलिए जब कभी यह बात होती है कि हमें धर्म निरपेक्ष होना चाहिए, हम धर्म निरपेक्ष हो ही नहीं सकते, हम तो धर्म प्राण देश है। हम पंथ निरपेक्ष होते हैं, धर्म वो है जो संस्कृत में ध धातु से बना है, धारण करना, धरती, दोनों धा धातु से बनी है, जो धारण करे वो धर्म है। जैसे धरती सब चीजों को धारण करती, पंथ का अर्थ होता है रास्ता भी होता है, रास्तों की पहचान होती है, रास्तों का एक लक्ष्य होता है, पर धरती सारे रास्तों को धारण करती है और वो सारे पंथों की पहचान को अपने अंदर समाहित किए रहती। इसलिए हमारे धर्म शास्त्रों में धर्म की परिभाषा क्या की गई है कि धृति क्षमा दमोस्ते यम शौच इंद्री निग्रह थी विद्या सत्यम अक्रोधो दशकम धर्म लक्षण। यही 10 धर्म के लक्षण है। इसमें न किसी पूजा पद्धति की बात कही गई, न किसी देवता की बात कही गई, न किसी देव दूत की बात कही गई है। और अंत में मैं कहूंगा हमारा धर्म इस मामले में विलक्षण है कि सभी धर्म कहते हैं कि ईश्वर की खोज करो, पर उनकी ईश्वर की खोज आपसे दूर किसी स्थान पर रुक जाती है, किसी देव स्थान पर रुक जाती है, किसी देव दूत तक रुक जाती है, किसी धार्मिक पुस्तक पे जाके रुक जाती है। पर हमारे यहां जब आप ईश्वर को खोजते हैं तो आपसे दूर नहीं है, आपके अंदर तक आपको ईश्वर का अनुभव होता है। और अंदर ही नहीं होता है, अंततः आपको पता लगता है अहम ब्रह्मास्मि, यानी मैं ही ब्रह्म हूं, और जीव और ब्रह्म में कोई भेद है ही नहीं। जो शंकराचार्य जी ने कहा, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीवो ब्रह्म है ना परा, यानी ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है और जीव और ब्रह्म में भेद नहीं है। तो आप ये समझिए हमारी और उनकी सोच में जमीन आसमान का अंतर है। वो खोजते हैं और खोजते खोजते कहीं रुक जाते हैं, हम अनुभूति करते हैं और अनुभूति करते करते ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि भारत को एक, आज कहा जाता है वी आर द, तो आबादी के हिसाब से सबसे बड़े देश हो गए, हम कहते हैं वी आर द यंगेस्ट नेशन ऑफ द वर्ल्ड, हम सबसे युवा देश हैं, पर यह सत्य नहीं, याद सत्य है, हम सबसे युवा देश और सबसे प्राचीन सभ्यता है। प्राचीन जीवन सभ्यता है, हमारा एक स्वर्णिम भविष्य है, एक गौरवशाली अतीत भी है। तो आप सब लोग बस ये ध्यान रखिए कि गौरवशाली था भूत, भविष्य भी महान है अगर संभालें आप उसे जो वर्तमान है। धन्यवाद। आपने अभी सुधांशु त्रिवेदी जी को सुना, ये हमारे हिंदुस्तान के सबसे अच्छे स्पीकर हैं जिन्होंने सनातन धर्म पर बहुत गहरी रिसर्च की है, और इनकी वाणी में जो दर्द है, जो हार्ट टच विषय है, जो देश को, जो धर्म को बचाने का जो जुनून है वो उनके शब्दों में नज़र आता है। उनके एक एक शब्द
सत्य के धरातल पर खरे उतरते हैं, इसलिए आज की युवा पीढ़ी उनकी बहुत फैन है। मैं धन्यवाद देती हूँ इस संत सम्मेलन में आपका आगमन हुआ। मैं संत सम्मेलन के बारे में दो शब्द आपसे बताना चाहती हूँ। प्रकृति में पंच तत्व बिगड़ने लगे हैं, पंच महाभूतों की सुरक्षा और संतुलन को बनाए रखने के लिए लोगों को आरोग्यवान जीवन देने और आयुष्मान का वरदान देने के लिए यह पंच तत्वों की सुरक्षा का एक बहुत बड़ा राष्ट्रीय संत सम्मेलन का आयोजन किया गया। त्रिदिवसीय राष्ट्रीय संत सम्मेलन के आयोजन में विषय रखा गया कि हम हमारी पृथ्वी को कैसे बचाएं, जो आज इसकी उपजाऊ शक्ति नष्ट होते जा रही है, इसकी क्षमता घटते जा रही है, लोग इसका दोहन कर रहे हैं और लोग इसकी वैल्यू नहीं कर रहे हैं। हमारी लाइफ स्टाइल, हमारा लालच, हमारे जीवन का स्वार्थ हमारी इस धरती को खराब और तकलीफ में डाल रहा है। इस जल को कैसे बचाएं जो जीवन है, और इस घटते हुए जल पर कैसे चिंतन करें। नदियां सूख रही हैं, हम पानी निकालने जाएं, हम बोर बनाने जाएं, तो अब 100 फीट पे भी पानी मिलने की गारंटी नहीं है। हमारे हिमशिलाएं सब सूख चुकी हैं, हमारे चारों तरफ जो नदी तालाब हुआ करते थे अब कम हो गए हैं। आगे धर्म संकट आएगा जब पीने का जल खरीदा जाएगा और नहाने के लिए जल कम पड़ जाएगा। 30 साल बाद का या 2030 का संसार क्या होगा। अग्नि इतनी बढ़ रही है कि चलती हुई रोडों पर गाड़ियों में आग लग जाती है। इतनी बढ़ रही है कि एसी की हवा भी अब ठंडी नहीं लगती है। ऊर्जा का नुकसान हम कितना करते हैं, कितनी हम बिजली का नुकसान कर रहे हैं, किस तरीके से हम इस ऊर्जा को बचाएं कि हम अपने जीवन में लंबे समय तक उसका उपयोग करें और शक्ति को कायम रखें। हम कैसे आकाश तत्व पर काम करें, हम कैसे बीमारियों पर काम करें, हम कैसे आकाश तत्व को शरीर से जोड़कर और उसको समझकर रोगों से मुक्ति पाएं, और किस तरीके से हम आगे वायु को पंच तत्वों की सुरक्षा के लिए ये जो कार्य कर रहे हैं इसमें हमने उस विषय को खोजा है कि कैसे हम हमारी पृथ्वी को हरा भरा रखेंगे, कैसे हम वायु को प्रदूषण मुक्त करेंगे और किस तरीके से हम जल की सुरक्षा करेंगे। हम आधा गिलास भी जल बचा हुआ फेंकेंगे नहीं, हम पानी की कीमत करेंगे। कैसे हमारी बॉडी में पंच तत्व काम करते हैं, चिति जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व निर्मित है शरीरा। यहाँ इस बात को समझने और समझाने के लिए 17 महामंडलेश्वर आ चुके हैं। यहाँ पर इस बात को समझाने के लिए 5 जगत गुरु जी आ चुके हैं। अभी एक जगत गुरु हमारे सामने में विराजमान है। यहाँ पर शनि शादी का डॉक्टर विभाश्री इस कार्यक्रम की सूत्रधार रही हूँ। इस कार्यक्रम को करने का मुझे जुनून था, तो मैंने इन संत समाजों को निमंत्रण दिया और इन संत समाजों में 100 लोग थे महाराष्ट्र के बाहर के और 500 लगभग इन 3 दिनों में महाराष्ट्र के लोगों को आमंत्रित दिया। हमने संत पूजन की परंपरा लगाई। हमारे यहाँ शनि आश्रम चिक्कलधाना में जो एयरपोर्ट के पास में पड़ता है, सुबह 9 बजे से लेकर 10 बजे तक जो संत पूजन होता है वो भारतीय परंपरा और वैदिक पद्धति के अनुसार देखने योग्य होता है। इतनी लंबी लाइन होती है संत महात्माओं सदगुरुओं के आशीर्वाद पाने के लिए, उनका पूजन करने के लिए, कि हृदय गदगद हो जाता है। यदि बेटा अपने माता पिता के पैर धोए या बेटा अपने माता पिता को प्रणाम करे, तो जो माता पिता का भाव होता है कि मैं बेटे को क्या क्या ना दे दूँ, वो भाव होता है हमारे सदगुरुओं का। और वो हमारी पूजन पद्धति हमारी भारतीय संस्कृति हमें बताती है। और फिर हमने ये इसलिए भी रखा कि सरकार कितना भी पैसा खर्च कर ले, हमारे राष्ट्र के मुख्यमंत्री ने कनेरी मठ में 20 फरवरी को एक शब्द कहे थे हमारे पंच तत्व महोत्सव पर। हमारे कनेरी मठ के घनश्याम भाई यहाँ मौजूद भी हैं। उन्होंने शब्द कहे थे कि हम कितना भी पैसा खर्च कर ले पर गवर्नमेंट अब लोगों का हृदय नहीं बदल सकती और लोगों के संस्कार नहीं बदल सकती। गवर्नमेंट वो काम नहीं कर सकती पंच तत्व को बचाने का, पंच भूतों की सुरक्षा का, जो धर्म कर सकता है। इसमें धर्म को ही आगे आना पड़ेगा। उन्होंने हमसे यह कहा कि आप धर्म को चलाने वाले, धर्म का संचालन करने वाले संस्थाओं को और संगठनों को और पीठाधीश और जो मठाधीश है उन सब के माध्यम से
संदेश जगह जगह प्रसारण करने वाले प्रवचन और भागवत कथा करने वाले व्यक्ति यदि इसे अपना मूल विषय बना ले और लोगों के लिए यह हार्ड टच विषय दे दें आप कि वो अपने अपने आंगन को बहारें, अपने अपने जीवन में पंच तत्वों को सुधारें और हम पूरे विश्व का कल्याण कर सकते हैं। हम इस पृथ्वी को फिर से हरा भरा देखेंगे और फिर से हम वायु को प्रदूषण मुक्त देखेंगे, फिर से नदियां भरी रहेगी और फिर से हमारा आकाश स्वच्छ हो जाएगा और फिर से हम ऐसा महसूस करेंगे कि पंच तत्व स्वस्थ हैं, तो जो ब्रह्मांड में है, जो हमारे शरीर में है, वो दोनों का संतुलन हम बिठा चुके हैं। तो इस तरीके से हमने ये सारी बातों को ध्यान में रखते हुए उनकी बात को सुनकर ये निर्णय लिया कलेरी मठ में कोल्हापुर में कि हम इस अब विषय को अपने संभाजी नगर में लाएंगे और संभाजी नगर में वहाँ पर हमने 100 लोगों को, बाहर के लोगों को और ख़ास तौर से 500 महाराष्ट्र के लोगों को निमंत्रण दिया। हमारा यह आयोजन सफल ही नहीं, बहुत ज़्यादा सफल रहा, क्योंकि जो तत्व निकले, जो निचोड़ निकला, जो उसका आंसर आया, वो इतना अद्भुत है, इतना ज़्यादा अद्भुत है कि आज बहुत सारे बड़े महानुभावों ने, आज कम से कम नहीं तो 50 महानुभाव जो विद्वान थे, जो बहुत हमारे CEO साहब जो सुभारती टीवी के हैं, हमारे जो विराजमान हैं यहाँ पर RP सिंह साहब, वो भी प्रत्यक्ष प्रमाण सामने में दे रहे हैं दुनिया को कि उन्होंने भी शब्द व्यक्त किए कि इतना लोकप्रिय रहा ये कार्यक्रम कि लोगों ने बहुत ज़्यादा देखा और कल तो उनको लाइव बढ़ाना पड़ा, इतनी लोकप्रियता इस आयोजन की थी। तो ये मैंने आपको संक्षिप्त में इसके बारे में बताया। अब मैं सारे साधु समाज से कहती हूँ कि वो मंत्र का उच्चारण करके आशीर्वाद दें सुधांशु त्रिवेदी जी को कि उनकी वाणी में सरस्वती जो विराजमान है वो प्रखर बने, अच्छी बने और हमारे देश के निर्माण में उनकी अच्छी भूमिका रहे। आज ऐतिहासिक संभाजी नगर शहर में, मैं कल आ रहा हूँ, बहुत बड़ा संत सम्मेलन हो रहा है, मुझे आज 11 बजे ही बुलाया था, जो संत रैली निकलने वाली थी उसका उद्घाटन मेरे हाथ से था लेकिन मैं नहीं आ सका। लेकिन हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी से सुना और आपको भी सुना, दोनों को सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा। और अल्टीमेटली हर एक के जीवन में कोई ना कोई तो एक ध्येय रहता है, एम रहता है, लेकिन हर एक को जैसा जन्म और मृत्यु अटल है, लेकिन जब मृत्यु की बारी आती है तो यही सोचना है कि हमारे पंच तत्व जो है उसके लिए क्या करना चाहिए और अध्यात्म के लिए क्या करना चाहिए, और सही मान से वही शांति हो सकती है, वही शांति है। मैं कल आके मैं आपको डिटेल बात करूँगा, लेकिन हमें इन जगह जाना है, इन सब के मैं आपका पहले अभिनंदन करना चाहता हूँ। मुझे पता नहीं था इतना बड़ा संत सम्मेलन है, आपसे मिले भी थे, जो टाइम भी लिए थे, लेकिन लेकिन अभी मैं जरूर आऊँगा, कल आपके साथ एक चार एक दिन घंटा बैठूँगा, सुनूँगा और मैं करूँगा। आपका अभिनंदन करते हुए मैं मेरे वाले को विराम देता हूँ। ओ चक्षुर्देवहितं पुरस्तात् शुक्रमुच्चरत पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतं शृणुयाम शरदः शतं प्रब्रवाम शरदः शतमदेनाशाम शरदः शतं भूयश शरदः शतात्। ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृधस्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ स्वस्ति पन्था मनोचरेम, सूर्या चन्द्रमसा वेव पुनर्दधताघ्नता जानता संगमे महि। ओम भद्रं कर्णे शृणुयाम देवाः, भद्रं पशेम शभिर्यजत्राः,
स्थिरैरङ्गे स्तुष्ट्वाङ्गुं स्तनुभिर्विषेमदेवहितं यदायुः ॐ जज्जाग्रतो दुर्मुदैति दैवं तदुसुप्तशतधैवैति दूरङ्गमं ज्योतिखं ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु ॐ येन कर्माणि पशो मणिखिणो जज्ञे कृण्वन्ति विदधे कुधीरः यत्पूर्वं यक्षमन्तः प्रजानां तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु ॐ स्वस्तिः 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 ॐ आप यहाँ उपस्थित रह करके केवल कार्यक्रम की शोभा ही नहीं बढ़ाई है, आपने संभाजी नगर की भी शोभा बढ़ाई है। और हमारे यहाँ दीदी जी विराजमान है और दीदी जी का ये जो प्रयास है और उस प्रयास में आप चार चांद लगाने के लिए यहाँ उपस्थित रहे हैं। हम अपना आपका और आपके साथ में हमारे केंद्रीय मंत्री भागवत जी कराड़ जी उपस्थित रहे हैं और आपकी सभी टीम और आपके सभी कार्यकर्ताओं को हम सभी महात्मा गणों के द्वारा आपका शब्द सुमन से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और आप जो सनातन की धुरा को संवाहन करके सारी दुनिया में सनातन का जो झंडा फहरा रहे हैं उसके लिए हम आप सभी को सभी की ओर से इस प्रकार के हम आत्मीय और हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। और सनातन का ये जो हमारा धर्म है, प्राचीन सभ्यता है, वो सारे विश्व में संसार में फैले, इस प्रकार का हम आपको आशीर्वाद देते हैं। और इस प्रकार के आप सतत और कार्यरत रहे, सजग रहे और पर्याय से धर्म और देश को बचाते रहे। धन्यवाद। दर्शकों, आज के विशेष प्रोग्राम सुभारती संवाद डॉक्टर विभाश्री दीजी जी के साथ में अब इतना ही। अगले शनिवार को फिर मिलेंगे इसी समय। तब तक के लिए मुझे यानी आरपी सिंह को दीजिए इजाजत। जय शनिदेव।